को रिहा कर दिया। मतलब वो चले गए? जी नहीं, वो देखिए आ रहे। मुबारक हो, आपके दुश्मनों ने कंप्लेन वापस ले ली। स्वेतलाना, तुम्हारे साथ जो हो रहा है शायद बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है वो उससे भी बुरा है। मैं चाहकर भी तुम्हारी इस हरकत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। और भूलना भी नहीं चाहिए ऋषभ, क्योंकि अगर ये नहीं भूलोगे तभी तो वो सब कुछ याद रहेगा जो तुमने मेरे साथ किया। स्वेतलाना, तुम अपने लिए एक प्रार्थना कर लो। मैं अपने लिए क्या प्रार्थना करूं, ये तुम मुझे बताओगे? हाँ बताऊंगा, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। स्वेतलाना, अपने लिए एक प्रार्थना कर लो कि कभी मेरी राहों में नहीं आओगी तुम। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, गलती से भी ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे डरती हूं। तुम कोई खुदा नहीं हो, बल्कि एक बहुत ही मामूली किस्म के इंसान। एक बीती बात है, अब उसे कंधों पर लाद कर आगे तो नहीं चला जा सकता। कहीं पर पिछली बातों को भूलकर आगे के कामों में ध्यान देना पड़ता है ऋषभ। भूल जाओ उसे। भूल जाऊं? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि पुलिस ने मुझे मेरे घर आकर अरेस्ट किया? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि आज पुलिस के रिकॉर्ड्स में मेरा नाम एक क्रिमिनल के तौर पर लिखा गया है? और मैं उस औरत को कैसे भूल जाऊं जिसकी वजह से यह सब हुआ? मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे कहा था, बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें गैर कानूनी कहा जाता है जो कानूनी तरीके से हो सकते हैं। कानून से आंखें बचाकर, कानून को दूर रखकर बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं उस औरत को रास्ते पर घसीट लाऊंगा, पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा उसे। तुम गुस्से में हो ऋषभ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस पर रिएक्ट करके जल्दबाजी में कुछ भी करना अच्छा नहीं होगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री जैसी कई कंपनियां हैं जो वकीलों के अलावा भी कुछ ऐसे लोगों को अपनी पेलिस पर रखती है जिन्हें उन समस्याओं के बारे में सोचने को कहा जाता है जिन्हें कानून हल नहीं कर सकता। नहीं, ये सिर्फ मेरी और स्वेतलाना की लड़ाई है। पहली चाल में जीत उसकी हुई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज के बाद वो चैन से सो नहीं पाएगी। मैं उसका घर से निकलना तक बंद करवा दूंगा, तुम देख लेना। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन दर्ज होने के बाद कोई दूसरा कुछ भी करेगा तब भी बात तुम पर आएगी, तुम पर शक होगा, और फिर तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा रुतबा तुम्हें अरेस्ट होने से बचा नहीं पाएगा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं कारों की तरफ बैठा रहूं, कुछ ना करूं उसको? फिलहाल तो कुछ नहीं, ऑफ कोर्स आगे के लिए प्लान तो कर ही सकती हूं। अच्छा मेधा, मुझे एक बात बताओ, कानून के दायरे में रहकर ऐसी कौन सी गैर कानूनी हरकतें हैं जो एक इंसान कर सकता है? अगर प्लान करके किया जाए तो कत्ल करने के बाद भी सेल्फ डिफेंस थियरी के सहारे केस लड़कर अपने आप को बचाया जा सकता है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्वेतलाना को ईजीएम में आने से कैसे रोका जाए। उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। मसलन ईजीएम के दिन उसे घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो पुलिस प्रोटेक्शन है। तो और भी तरीका भी ढूंढा जा सकता है। यस सर, मिस देविका आपसे मिलने आई है। मिस देविका? यस सर। थोड़े अंदर भेज दो। पता नहीं आज अचानक देविका को मुझसे क्या काम पड़ गया। बात तुम्हारे फायदे की है ऋषभ, मुझे कुछ वक्त अकेले में चाहिए। मैं चलती हूँ, कल फोन करूंगी।